जो पुलिस है वो बेरंग है और सरकार बेबस है। किस मामले में? अमृतपाल के मामले में। पूरी पंजाब पुलिस, 80,000 की वो फोर्स जिसको लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को, पंजाब पुलिस को लताड़ भी लगाई, वही 80,000 की फोर्स अभी तक लगभग 6 दिन बीत जाने के बावजूद ये पता नहीं कर पाई है कि अमृतपाल है कहाँ। लेकिन इस बीच अमृतपाल का जो काला खेल था, जो साजिश थी, देश विरोधी साजिश, देश को तोड़ने की साजिश, खालिस्तान बनाने की साजिश, उसका भांडाफोड़ लगातार हो रहा है। और बात यहां तक पहुंची है कि एक अलग करेंसी बनाए जाने की तैयारी थी, एक अलग फौज बना रहा था, लोगो डिजाइन हो चुका था, नक्शा पारित हो चुका था, यानी कि अमृतपाल अपनी इस साजिश में कितना आगे बढ़ चुका था, यह इन तमाम साक्ष्यों से समझ में आ रहा है। लेकिन है कहां यह किसी को समझ नहीं आ रहा। भगोड़ा अमृतपाल पुलिस के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रहा है। सातवें दिन भी अमृतपाल पुलिस के लिए नासूर बना हुआ है। दूसरी तरफ उसकी खौफनाक साजिश की हर दिन कलई खुल रही है। उसके गुनाहों का साम्राज्य बेपर्दा हो रहा है। अमृतपाल देश तोड़ने की साजिश में कितना आगे बढ़ चुका था, ये राज उसी के राजदार खोल रहे हैं। अमृतपाल के गनमैन तेजिंदर गोरखा की गिरफ्तारी हुई और उसका फोन खंगाला गया तो चौंकाने वाले वीडियोस मिले। पंजाब पुलिस ने ये ताजा वीडियो जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि अमृतपाल आनंदपुर खालसा फौज तो बना ही रहा था, उसके लिए पूरी तैयारी भी कर रहा था। उसने अपने गांव में फायरिंग रेंज बनाई हुई थी जहां पूर्व फौजी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। साथ ही प्रस्तावित नक्शा और लोगों का डिजाइन भी बनकर तैयार था। अमृतपाल AKF की करेंसी भी डिजाइन कर रहा था। पंजाब पुलिस के साथ साथ NIA भी अमृतपाल की तलाश में चप्पे चप्पे पर दबिश दे रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से विदेश में मौजूद देश विरोधी खालिस्तान समर्थकों की फेहरिस्त मांगी है। इस पर सियासत चल रही है। सियासी राग अमृतपाल पर बटा हुआ दिख रहा है। 80,000 बंदा पंजाब पुलिस का की गिरफ्तार नहीं कर सकिया, नेशनल फोर्सेस का ते स्टेट पुलिस का इस तो वड़ा फेलियर की हो सकता है? भगवंत मान अपनी छाती थपथपांदा फिरदा? भगवंत मान जी इहदा जवाब दो। भगोड़ा अमृतपाल देश तोड़ने की साजिश में काफी आगे बढ़ चुका था और फिलहाल भेष बदल कर छिपता फिर रहा है। पुलिस को अमृतपाल के घर से पासपोर्ट भी बरामद नहीं हो पाया। पूरा सर्च ऑपरेशन फिलहाल कयासों पर टिका है और 6 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस बेरंग है और सरकार बेबस। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ओम प्रकाश राय मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, देखिए सत्य तो यही समझ में आ रहा है कि पुलिस बेरंग है और सरकार बेबस है, हाईकोर्ट की लताड़ है, विपक्षियों के निशाने पर है, अमृतपाल कहां है ये पता नहीं, लगातार CCTV फुटेज जारी हो रहे हैं, तमाम करीबियों से, संबंधियों से, पत्नी से, रिश्तेदारों से बातचीत चल रही है, पासपोर्ट मिल नहीं पाया है, कोई कह रहा है नेपाल भाग गया है, कोई कह रहा है दिल्ली में है, कोई कह रहा है पंजाब में ही है और कोई इसके आगे की भी बात कर रहा है। क्या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है सीक्रेट एजेंसीज के पास, लोकल पुलिस के पास, NIA क्योंकि अब इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में, NIA के पास, क्या कहीं भी कोई ऐसी कॉन्क्रीट लीड है जिसके आधार पर हम एंटीसिपेशन ये कर सकें कि अमृतपाल जल्द हत्थे चढ़ेगा? देखिए गरिमा, इसमें एक और ऐड कर लीजिए कि ये विदेशी नागरिकता लेने की फिराक में था, जो इसने शादी की है वो ब्रिटेन की नागरिक है, उसके उसको लेकर इसने आवेदन दे रखा है ब्रिटेन की नागरिकता लेने के लिए। तो ये नागरिकता लेने की ब्रिटेन की फिराक में था, पंजाब में रहकर यहाँ खालिस्तान फोर्स बना रहा था, यहाँ लोगों को उकसा रहा था, अलगाववाद की बात कर रहा था। और जिस तरह से देखिए, जो आदमी खुद इस देश की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने की बात कर रहा हो और जिस तरह से लोगों को बरगलाने की पंजाब में बात कर रहा हो, और ये अगर कहा जाए तो पंजाब सरकार की पूरी तरह विफलता है। और जिस तरह कहा जा रहा है, रोज़ CCTV फुटेज जारी किए जा रहे हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, ठीक है, लेकिन ये जब आपके पास फुटेज आते हैं, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन आप
अभी तक उसके पास पहुंच नहीं पाते हैं। 8 राज्यों के पुलिस को सतर्क किया गया है। कल परसों आप देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र और शाहबाद में उसकी तस्वीरें आई, एक घर पर भी रुकने का मामला आया, तो इसका पंजाब पुलिस का कोऑर्डिनेशन कहा है। साथ ही साथ जिस तरह से NSA लगा है और जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि देखिए पंजाब में जिस तरह की अलगाववाद की बात अगर कर रहा है तो कई राज्यों में इस तरह की मांगें उठनी शुरू हो जाएगी। हमारा नॉर्थ ईस्ट इसके बाद डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर इस तरह की मांग पंजाब में उठती है। कश्मीर का बुरा हाल आप देख ही रही हैं, तो इस तरह से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि भगवंत मान की जो सरकार है, बिल्कुल अगर मैं कहा जाए तो उसका फेलियर है, क्योंकि वो बिल्कुल अगर देखा जाए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अगर जैसा पहले भी चर्चाएं रही हैं कि जो खालिस्तान समर्थित लोग हैं, जो उस विचारधारा के लोग हैं, उनका समर्थन रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर, और इसीलिए देखिए 207 लोग गिरफ्तार किए गए हैं कल भगवंत मान ने। हालांकि सबको पहुंचा दिया गया है आसाम के डिब्रूगढ़, क्योंकि इस तरह का भी इनपुट मिल रहा था कि जिस तरह जनाला थाने पर एक तरीके से आक्रमण किया गया, ठीक वैसे ही जेलों को भी हाईजैक किया जा सकता है और तमाम समर्थकों को छुड़ाने के लिए भी एक ऐसा ऑपरेशन सामने आ सकता है, इसीलिए सबको पहुंचा दिया गया डिब्रूगढ़ आसाम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जानकारी के लिए। निगाह इसी बात पर कि कब अमृतपाल पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, भेस बदल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह फरार हो रहा है, दबिश दी जा रही है, हाथ लेकिन खाली है।